खर्चा हो चुका है और इस फ्रिज का फूक चुका है कंप्रेसर। ये ना और मेरे समझ में नहीं आ रहा है मोटो व्लॉग हर बार मेरा रॉन्ग क्यों हो रहा है। पीने बैठे हैं यहाँ पे, हमारी कॉफी आ गई और अभी फिलहाल कोई है नहीं जिम में। आज चिकना चिकना सा क्यों लग रहा। बड़ी ही जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे, पता नहीं अब जिम्मेदारी से कर रहे क्या। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज आप मुझे कहीं और ही देख रहे होंगे, मतलब एक ऑफिस में। तो अभी फिलहाल मैं आया हूँ अपने भाई के पास, साजिद के पास, जो कि है सीए, और उससे मुझे निकलवाने अपने कुछ पेपर्स वगैरह, ठीक है। तो अभी उसने मुझे बोला था कि भाई आप सुबह ही आ जाना 11 बजे। खैर वो तो ऑफिस आया नहीं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। साजे भाई के ऑफिस से स्टार्ट हो रहा है व्लॉग अपना। यार कितना बड़ा गोलीबाज आ रही है यार। ये साजे मुझे कह रहा भाई 11 बजे पहुंच जाना, ठीक है, आने वाले हैं। चलो ठीक है। और भाई आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी जी। तीनों भाई साथ बैठ गए। ये बीच वाला आदमी अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रहा। सो गाइस, आप ये आवाज़ सुन रहे हो, ये हमारे सीए साहब की आवाज़ है और ये टाइम पे ऑफिस नहीं आते। भाई बोलता क्यों नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं हो। चल ठीक है ठीक है, आ जाइए ठीक है। ओके चलो टाटा। आज मैं ऑफिस नहीं गया, ऑफिस में इस वजह से नहीं आया हूँ गाइस, क्योंकि आज होटल पूरा फुल हो रखा है। तो वहाँ पे डैडी भी हैं, फैशल भाई भी आ गए, तो आज मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ। और होटल हो रखा है पूरा फुल, कुछ शादी वादी का कुछ प्रोग्राम है वहाँ पे, तो इस वजह से सारे रूम फुल हैं। तो मैंने सोचा आज मैं सबसे पहले अपना पेपर्स का काम करवाता हूँ, कि क्योंकि वो 2-4 दिन से मेरा रुका हुआ था काम। ये भी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, अभी थोड़ा सा मैं करवा लूँ ये काम और मेरा थोड़ा सा आगे इसका थोड़ा सा और प्रोसेस है, वो भी कम्प्लीट होने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि पेपर वर्क किस लिए था, और सरप्राइज़ कुछ आने वाला है बढ़िया सा, बाकी देखेंगे जैसा भी होगा। और भाई देख रहा है इतनी देर से मैं किससे बात कर रहा। तो भाई ब्लॉगरों का यही काम होता है, बस ब्लॉगरों को बोलना होता है। कसम से लोग वाग देखते ना मुझे मतलब लोग वाग देखते ना बोलते हुए, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगे, इतने यार पता नहीं किससे बात कर रहा। क्योंकि व्लॉगिंग में क्या है, हम एक छोटा सा भी टॉपिक लेके उसका बड़ा मुद्दा बनाना, व्लॉगर का ये काम है। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना पड़ता है। तो एक भाई अभी फिलहाल ऑफिस में पहुंच चुके हैं, तो अभी साजे भाई की सीट पकड़ रखी है भाई ने, और ये बना रहे हैं मेरे पेपर्स वगैरह जो भी कुछ है। भाई मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन पेपर वेपर की, तो इसलिए मेरे से कुछ मत पूछना कि कुछ चाहिए या नहीं। हो गया बस ठीक है, चलो ठीक है। सो गाइस फिलहाल मैं करवा लेता हूँ अपना यहाँ पे जितना भी पेपर वर्क है वो कंप्लीट करवा लेता हूँ। उसे कंप्लीट करवाने के बाद देखते हैं जैसा भी कुछ प्लान है। बाकी फैशल भाई भी आ चुके हैं, वो आ तो गया है लेकिन उनका ये नहीं पता रहता ना वो कितनी देर रहेंगे कितनी देर नहीं रहेंगे, और अगर हुए यहाँ पे तो ठीक है चलेंगे उनके पास। बाकी थोड़ा सा यहाँ पेपर वर्क करवाने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी जगह, दूसरे होटल पे, क्योंकि वहाँ पे हम थोड़ा सा आर्ट वर्क कर रहे हैं, वो आप लोगों को मैंने बताया था। देखते हैं अभी चालू है या नहीं है। बाकी आजकल मेरे दिमाग में भी कुछ नए आइडियाज चल रहे हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे आपस में, है ना। मुझे इस चीज का पता भी नहीं था कि ये भाई लोग भी मुझे यार कसम से सब्सक्राइबर बैठे हैं यार ये तो अपने, और वीडियोस वगैरह देखते हैं। अभी इन्होंने मुझे बताया कि भाई हम आपकी वीडियो का वेट करते हैं और देखते हैं, तो भाई मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी, भाई आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। यार मैं अभी कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की दुआ से बन जाऊँगा इंशाल्लाह जल्दी। और यार बहुत खुशी हुई भाई कि आप लोग वीडियो देख रहे, देख रहे हैं आप, सच बताना। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा, और अच्छा जी चलो बहुत बढ़िया। कौन से वाले, इस पे ही देख रहे हो आप? भाई भाई वाह भाई वाह, खोल के बैठे भाई ये लोग तो वीडियोस वगैरह, तो यार ये बहुत बढ़िया बात है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे और प्यार है भाई आप लोगों का। अच्छा अच्छा, एक ऐड करनी पड़ेगी, चलो ठीक है ये कर देना। और ये वाली मेरी हो गई, चलो ये भी साथ में ले जाऊंगा, है ना। ठीक है साथ में ले जाऊंगा, आ जाऊँ 10-15 मिनट बाद भाई मैं। और वैसे यार आप स्मार्ट हो भाई।
कसम से। तो ठीक है मैं आता हूँ भाई, है 10-15 मिनट बाद आता हूँ। ये बोल रहे हैं कि भाई आप 10-15 मिनट बाद आ जाओ, फिर आपके काम हो जाएगा। अभी उसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ ऐड वैड करना होगा, बाकी मुझे इतनी पेपर्स वगैरह की नॉलेज नहीं है। जैसा भी कुछ होगा वो कर रहे हैं कम्प्लीट, कम्प्लीट होने के बाद फिर आ जाऊँगा दोबारा। एक बार पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, तो आ जाऊँगा दोबारा। अच्छा भाई थैंक यू भाई लोगों, ठीक है थैंक यू सो मच भाई। आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वो भाई भी हाथ हिला रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, तो चलते हैं भाई, ठीक है ओके बाय बाय। फिलहाल गाइस आ चुका हूँ मैं ज़ैना होटल पर, और ज़ैना होटल पर चल रहा है आजकल ज़बरदस्त वर्क बहुत ज़्यादा। तो फिरोज भाई ने बनाया कुछ ऐसा स्टूल, बड़ा क्रिएटिविटी का मास्टरमाइंड है, खैर वो उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। और उसने कुछ ये स्टूल बनाया है, ये बैठने बैठने के लिए, पैर वैर रखने के लिए जो भी। अभी ये सब रखा जाएगा ऊपर छत पे, क्योंकि ऊपर छत पे चल रहा है कुछ प्लानिंग। और ये रहे अपने प्रिंस भाई। और प्रिंस भाई क्या हाल है? बढ़िया सब बढ़िया ना, काम वाम सब सही? चलो ठीक है। सो गाइस ज़ैना होटल के बराबर में है एक हमारा मतलब टिकट विकेट का आधार ट्रेवल्स, रवि टिकट। ओ रवि तो तेरा नाम है? तेरा नाम है किसी और के नाम है? तो भाई यार लौटना, आज चिकना चिकना सा क्यों लग रहा? कैमरा शायद भी है क्यों भाई? है कैमरे पे आना नहीं जाता क्या तू? मिशन, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, हॉलीडे पैकेजेस, चार धाम यात्रा, पासपोर्ट एप्लीकेशन, ये सब यहाँ पे कौन करता है बुक? रवि भाई अपने। तो गाइज आप आओ और रवि भाई के पास भी आओ, रवि भाई का भी नेचर बहुत बढ़िया है। ये मैं व्लॉग के लिए नहीं कह रहा हूँ ऐसा। सो गाइस अभी मैं घर आया हूँ, असल में कोई मिलने आ रहा है, ठीक है तो उससे मिल लेता हूँ मैं। उससे मिलने के बाद फिर मुझे जाना है साजिद भाई के पास, फिर जाना है मुझे ऑफिस को उसके, तो पेपर्स लेके आने हैं। तो जैसे भी है कुछ, अभी फिलहाल मैं मिल लेता हूँ, मिलने के बाद फिर चलता हूँ। हाँ भाई इतना लेट तो ऑफिस पे आता है भाई, कैसा आ गया यार तू? और काम हो गया मेरा? और ये भाई जान जिनसे हम सारे हमारे दो नंबर के काम नहीं गाइस ऐसा कुछ लिया है, ये मजाक चल रहा है फिलहाल। तो ये आदमी इतना बड़ा आलसीला, मतलब यार देखो सीए बना हुआ है लेकिन ये ऑफिस खोलेगा कितने बजे? नहीं ऑफिस तो जल्दी खोल देता है लेकिन ये आदमी नहीं आता है रात में, लेट तक काम करता है। अच्छा रात में लेट तक काम करता है तो इसलिए लेट आता है। चल ठीक है, काम हो गया मेरा कम्प्लीट पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं रही इसमें? सो ये कुछ पेपर्स हैं, ये पेपर्स मुझे नहीं पता किस चीज के, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये जरूरी चाहिए थे, अभी किस लिए चाहिए ये मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है कुछ दिन बाद एक सरप्राइज दिख जाएगा, ठीक है। साजिद भाई मैंने आज इनका पूरा ब्लॉग बना दिया भाइयों का। हाँ कौन सा? नहीं नहीं इनका सबका बन गया ब्लॉग, सबका बन गया। अच्छा ये भाई कौन? तो बहुत ही घबरा रहे पता नहीं क्या नाम भाई जान। कृष्ण कुमार जी मैं इनका वाइफ हूँ मुझे। भाई पता नहीं कैमरा देख के इतना घबरा के रहे। कुछ दिन मतलब कुछ दिन क्या, 2-3 दिन पहले ही कहा था इसने, लेकिन मेरे पेपर बहुत जल्दी करवा दिए। और इस पे क्या इनकम टैक्स का लिखा हुआ? खोपड़ी तो मुझे नॉलेज कुछ नहीं है भाई, इसका आगे की नॉलेज कुछ नहीं है। सो गाइस अपना काम हो गया और मैं थैंक यू बोलता हूँ साजिद भाई को और भाईजान को, सबको, और इन भाइयों को भी क्योंकि इन्होंने मेरा काम करवा दिया। और एक वो जो भाई उधर बैठा है और इनसी टी शर्ट में, स्मार्ट आदमी हूँ कसम से। और कैमरे में कसम से स्मार्ट लग ही रहा, वो नहीं फैक्ट है यार, स्मार्ट लग रहा हो कैमरे वाले की देख रहा। और ये बड़ी ही जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे, पता नहीं अब जिम्मेदारी से कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ये बैठे ना सब के सब, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही जिम्मेदार आदमी है, बहुत जिम्मेदार आदमी। सो खैर इन सब से मिलके बड़ा मजा आ गया मुझे, और साजिब से तो मैं मिलता ही रहता हूँ। आज शाम को 7 बजे इससे मुझे दोबारा मिलना है, किसी हमारी कोई पर्सनल बात है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आपको बताएंगे बाद में। तो अभी फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक बंदे से और मिलना है। तो टाटा बोलता हूँ साजिब भाई, टाटा भाई, थैंक यू भाई, ओके। अच्छा भाई लोगों बाय बाय।
ठीक है, लाइक शेयर तो बोल दो यार। चलो थैंक यू भाई। यार मैं एक बात कहना भूल ही गया था यार, वो बात मैं कह दूं भाई, वरना सही नहीं रहने का। भाई साजिब भाई ने ये काम मेरा फ्री में करके दिया। ये ना भाई ये काम मेरा, मतलब ये काफी पैसों में काम होता है। ये काम मेरा साजिब भाई ने फ्री में करके दिया है। इसे छोड़ के, और देखो ये प्यार है हम दोनों का भाई का, ठीक है। चल ठीक है, थैंक यू भाई, बाय बाय। फिलहाल अपना पेपर वर्क जितना भी था वो सब कुछ कर दिया साजिब भाई ने, और मैं साजिब भाई को बोलता हूँ थैंक यू, क्योंकि भाई ने बहुत जल्दी काम कर दिया। ये काम इतनी आसानी से होता नहीं है। तो गाइस आज अपना खर्चा हो चुका है, और इस फ्रिज का फूक चुका है कंप्रेसर, और भैया बता रहे हैं कि कंप्रेसर इसका है काफ़ी महंगा। तो अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसका कंप्रेसर वगैरह क्यों हंस रहा, क्यों हंस रहा। तो इसका पहले भी मतलब पहले इसमें भैया जो प्रॉब्लम आई थी वो कंप्रेसर की नहीं थी पहले, अभी जो मतलब जो अभी जब आई थी हाँ, उसमें बहुत मतलब लड़के ने चलाया हाँ, तो स्टार्ट हुआ लेकिन रनिंग में नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसका कंप्रेसर वगैरह चेंज करवा देता हूँ, ठीक है भाई, कर देगा तू? हाँ सर आओ। तो कोई नहीं भैया, आप कर दो इसका कंप्रेसर वगैरह चेंज, ठीक है। मेरे साथ एक चोट और हो गई है, अभी मैं मोटो व्लॉग करके आया था, और मोटो व्लॉग करने के बाद वही जो पिछली बार हुआ था यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मोटो व्लॉग हर बार मेरा रॉन्ग क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है यार। कभी आवाज़ आती नहीं, और कभी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो आवाज़ डिसबैलेंस हो जाती है, मतलब झंझनाहट आ रही थी आवाज़ में बहुत ज़्यादा। अभी मैं मोटो व्लॉग करके आया था, और काफ़ी मेहनत करके आया था, काफ़ी मेहनत लगाई मैंने, और पूरा व्लॉग ख़राब हो गया, पूरा व्लॉग ख़राब हो गया, और सर में दर्द हो गया मेरे, इतनी मेहनत करो और कुछ हासिल ना हो। कोई नहीं, चलो खैर, अब मैं जिम जा रहा हूँ, जिम जाके अपना जितने भी हेडेक है मेरी, सर दर्द है, सबको वहाँ पे छोड़ के आऊँगा, जिम करूँगा बढ़िया, क्योंकि मैं सुबह जिम नहीं गया था, तो अब शाम को जिम जा रहा हूँ। जिम से आने के बाद फिर मिलता हूँ आप लोगों से। आज मिल गया मेरा बहुत ही पुराना मित्र। ये मेरी जाल, क्या हाल चाल है? देख अभी तेरे से हाल चाल वाले पूछ लिए, ये व्लॉग के लिए पूछा गया, हाल चाल क्या है। सो गाइस फिलहाल जिम आ चुका हूँ मैं, और अभी फिलहाल कोई है नहीं जिम में, एक भाई बैठा है बस, ये कर रहा है बाइसेप्स की एक्सरसाइज। बाकी सुबह नहीं आया था जिम, तो इसलिए शाम को आया हूँ आज, तो जिम कर लेते हैं, जिम करने के बाद फिर चलेंगे घर, और फिर देखेंगे जैसा भी कुछ होगा वैसा ही। अभी तो फिलहाल एक्सरसाइज स्टार्ट है अपनी, तो एक्सरसाइज निपटाते हैं जल्दी से, एक्सरसाइज निपटा के फिर मिलता हूँ आप लोगों से। जिम से आ चुका हूँ, और हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और मैंने अभी किसी को बुला रखा है मिलने के लिए। गाइस भाई आ चुका है, और जो चीज़ मैं असल में कुछ बनवा रहा था, तो भाई को मैंने बुलाया है, इस वजह से अभी ये मेज़रमेंट वगैरह ले रहा है। तो फिलहाल हमारा जो पहले हमने सोचा था कुछ प्लानिंग, तो वो प्लानिंग हो नहीं पाई थी किसी कारण की वजह से, मैं किसी काम में व्यस्त हो गया था, तो मैंने भाई को दोबारा बुलाया है मेज़रमेंट करने के लिए। भाई मेज़रमेंट कर लेगा, मेज़रमेंट करने के बाद देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि भाई की याद भी नहीं रहा जो पिछली बार हमने मेज़रमेंट लिया था, तो अब दोबारा मेज़रमेंट लेके पता लगेगा। सो गाइस जरगाम भाई और मैं आए थे सिविल लाइंस में किसी काम से, तो भाई को मेज़रमेंट वगैरह दे दिया है कि कितना लगेगा वहाँ पर। मैं सिविल लाइंस में आया था इस वजह से कि कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, हम किसी शॉप पर आए थे, तो जरगाम भाई ने कहा भाई कॉफ़ी पी के चलेंगे, तो अभी कॉफ़ी पीने बैठे हैं, यहाँ पर हमारी कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी पी लेते हैं, और कॉफ़ी पीने के बाद फिर चलते हैं घर। गाइस अभी फिलहाल आ चुका हूँ मैं घर पर, और आज का जैसा भी दिन रहा वो बढ़िया रहा, लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया आज पेपर वर्क में अपना जितना भी था, तो आज ज़्यादा व्लॉग मेरा पेपर वर्क में गया, लेकिन चलो कोई नहीं, उसमें टाइम लग गया था, वो ज़रूरी भी था काम मुझे। काफ़ी रात हो चुकी है अब गाइस, मुझे व्लॉग एडिट भी करना है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।